रहा है, गैर मुल्की कमेंटेटर्स आए हुए हैं, गैर मुल्की जो भी 20-25 प्लेयर आए, मुझे बताएं कब तक हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे कि खिलाड़ी हम ही बनेंगे। अब रोसो कहते मैं जा रहा हूँ, पोलार्ड कहते मैं जा रहा हूँ, कार्लोस बेसेट कहते मैं जा रहा हूँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों ने हमला किया। सांप जो होता है उसका काम है डसना, अगर आप उसको दुम से पकड़ेंगे वो आगे से आपको काटेगा। आपको अपडेट करें, कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों का हमला, हमले के 4 जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों कल पाकिस्तान में PSL मैच के दौरान कराची स्टेडियम के बाहर आतंकवादी ने जोरदार बम फोड़ दिए। दोस्तों इसे देख डर के मारे विदेशी खिलाड़ी PSL छोड़ के अपने अपने देश लौटने लगे। दोस्तों इसे देख पाकिस्तानी मीडिया में दहशत वो कह रहे कि अब पाकिस्तान में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं आएगा। दोस्तों इस बारे में आपको क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कराची पाकिस्तान की शहरक है, कमर्शियल हब है, अगर वहां पे भी ये होगा, देखिए पिशावर को आपने तकरीबन 9 गो जोन बना दिया, क्वेटा आपकी जरूरत नहीं है जाए, आप जाके दिखाएं। अब रह दे के जब इतना साल स्क्वीज हुए हैं, इस्लामाबाद में आपका स्टेडियम नहीं है, पिंडी में आप मैच कराते नहीं है, तो भाईजान फिर बंद करें ड्रामेबाजी, फिर UAE में ही पाकिस्तान के माल को ले जाए, इन्हीं को सिक्योरिटी के नाम पे, इन्हीं के बच्चों को नौकरियां दे, इन्हीं को सब कुछ दे, हमारे बच्चे मरने के लिए छोड़ दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बताएंगे PSL खुदा ना खासा अगर ये आगे कहानी खराब होती है तो डायरेक्ट आपका PSL शिफ्ट हो सकता है, अफेक्ट होगा, अफेक्ट हो सकता है और ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। देखो फिर मसला ये है कि जब इस तरह का हुआ है वो सीन, तो फिर कराची के अंदर मैच देखने आने के ग्राउंड में लोग तो इकट्ठे होते हैं, तो फिर लोगों के दिलों में डर आ जाएगा। लोगों का मसला नहीं है, मसला ओवरसीज खिलाड़ियों का, वो भी नहीं मानेंगे। फिर ऑलरेडी इतना थ्रेट चल रही है कि भाई अटैक हो गया। अगर आपने रखा है तो पब्लिक तो आ ही जाएगी, लेकिन आप वो सोचेंगे ना जो करवा रहे हैं सिक्योरिटी वाले, वो सोचेंगे कि यार, और उनका भी मसला नहीं है। मेन तो मसला ये है कि खिलाड़ी हम ही बनेंगे। अब रोसो कहते मैं जा रहा हूँ, पोलार्ड कहते मैं जा रहा हूँ, कार्लोस बेसेट कहते मैं जा रहा हूँ, कहानी वो खराब हो जाएगी वहां पे। एलेक्सिस का मैं आ ही नहीं रहा, वो मामला खराब हो जाएगा। डेविड मिलर का मैं जा रहा हूँ, कहानी वहां पे खराब होगी। तो ये बड़ी बुरी खैर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, कैसी वादत हो रही है, PSL हो रहा है, गैर मुल्की कमेंटेटर्स आए हुए हैं, गैर मुल्की जो भी 20-25 प्लेयर है आए हुए हैं, मुझे बताएं कब तक हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे, कब तक हम कहेंगे जनाब नहीं। बिल्कुल रिजवान साहब ने ठीक कहा कि ये वो 1970 का 1980 या इवन 2023 नहीं है कि आप अपना बंदा बिठाएंगे वहां प्रेसों में और टीवी चैनल में और ब्लैकआउट करेंगे खबरों का, हमने देखा ये सारे ड्रामे। तो बस करें इस ड्रामे को, बस करें इनको, देखें ना कोई बैड होता है ना कोई अच्छा होता है, ये सब एक ही होते हैं। सांप जो होता है उसका काम है डसना, अगर आप उसको दुम से पकड़ेंगे वो आगे से आपको काटेगा। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों ने हमला किया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची, दहशत गर्दों से मुकाबला हुआ। पुलिस ने अब तक 2 दहशत गर्दों की हलाकत का दावा किया है। DIG साउथ के मुताबिक 8 से 10 दहशत गर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।